देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं राइट थ्री इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5 बाय 7 एंड 9 अपॉन 11, है ना। देखो ख्याल रखना, वर्ड इरेशनल यूज हुआ है, रैशनल नहीं हुआ। रैशनल का तरीका अलग है ना, जैसे हमने करा था, है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ठीक, फिर नंबर्स आ जाएंगे बीच में। अब आ जाओ ये इरेशनल नंबर्स, तो मैं क्या करती हूँ बेटा, 5 अपॉन 7 का पहले मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ही देखती हूँ क्या है, ठीक है। 5 अंदर 7 बाहर, 5 तो जाएगा नहीं 7 से, ठीक, तो मैं एक डेसिमल लगा देती हूँ, तो ये 0 आ गया। डेसिमल के बाद जितने चाहो उतने 0 लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो 7 7s are 49, कितना बचा 1, ठीक, 0 एक नीचे आ जाएगा। 7 1s are 7, कितना बचा 3, फिर एक 0 नीचे ले लो, ठीक है बेटा। ये कितना हो जाएगा, 7 4s are 28, कितना बचा 2, फिर एक 0 नीचे ले लो। 7 2s are 14, कितना बचा 6, फिर एक 0 नीचे ले लो भाई। 7 8s are 56, कितना बचा 4, फिर एक 0 नीचे ले लो। 7 5s are 35, कितना बचा 5। अब देखो हमने 5 से ही तो शुरू करा था, इसका मतलब अब ये रिपीट होगा, हाँ, तो मैं इसके ऊपर एक बार लगा देती हूँ। अब देखो ये पूरा का पूरा अब रिपीट होने वाला है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.714285, और इस नंबर के ऊपर एक बार लगा दो, जो रिपीट होता है उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं 9 अपॉन 11 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है, फिर उन दोनों के बीच का नंबर निकाल लेना, आसान हो जाएगा ना। 9 अपॉन 11 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, 9 अंदर 11 बाहर, डेसिमल लगाओ क्योंकि भाई छोटा है 9, है ना। 8 जार 88, कितना बचा 9, फिर कितना जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, सॉरी जीरो, वो 2 लगाओ, 2 नहीं 1 आएगा, है ना। 11 1s are 11, कितना बचा 9, है ना। इसका मतलब 9 से शुरू हुआ, 9 फिर दोबारा आया, इसका मतलब यहाँ पर ये 8 1 रिपीट होने वाला है ना, तो मैं इसके ऊपर बार लगा देती हूँ। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा बेटा, 0.81, और ऊपर तुम इसके बार लगा दो, ठीक है। अब मुझे इन दोनों के बीच का जो है कोई भी इरेशनल नंबर चाहिए। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना। इरेशनल नंबर्स हमारे होते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म ना हो, ठीक है, और नॉन रिकरिंग, जो रिपीट ना हो, ठीक है। उसका बड़ा ही आसान तरीका, तुम्हें इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए, तो ये देखो ये 71 मानो, इसको 81 मानो, है ना। तो मैं क्या कर लेती हूँ, 0.7072 बीच का हुआ, एक 0 लगा दो, 70 दो 0 लगा दो, 72 3 0 लगा दो। ये क्या है बच्चों, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है ना। एक और नंबर ले लो, 730 7300 7300, आसान। एक और ले लो 0.7410 7400 7400, तुम जैसा मर्जी हो वैसा कर लो, बस इरेशनल नंबर्स ही बनाने। इरेशनल की क्या प्रॉपर्टी है, ना तो ख़त्म होंगे ना ही वो रिपीट होंगे, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर।